सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो ये काम है ये बहुत टफ काम है और ये हमारे जैसे लोगों का बस का नहीं है। कल्याण जी जाना इसको बखूबी निभा पाते हैं, बखूबी कर पाते हैं और मैं देख रहा हूँ इनको एक साल से कम्प्लीटली कि मैं तो एक दिन घर में बैठ भी जाता हूँ, सो भी जाता हूँ, लेकिन इस आदमी को मैं कम्प्लीट एक साल से नोटिस कर रहा हूँ, ये आदमी एक दिन घर में नहीं बैठता। आपने कुछ वजह बताई थी कि कल्याण जी घर में क्यों नहीं बैठे, एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी इनको जो आती है ना, ये इनको इनको ये दुआओं की वजह से आज ये इतना, मतलब कहते हैं ना कि दुनिया में अगर कोई इंसान को इंसान अगर किसी आगे बढ़ सकता है अगर, उसके सिर्फ तीन ही कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है आगे बढ़ने का दुआ, जो दुआ आज इनके साथ चल रही है तो इनको आगे बढ़ने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। मैं तो इनके लिए दो शब्द कहूँगा कि कहते कि वो सबको गले से लगाकर चलता है, बहुत अच्छे दो शब्द हैं मैं कहना चाहता हूँ कल्याण जी जाना जी के लिए कि वो सबको गले से लगाकर चलता है, वो गरीबों से मिलकर भी चलता है, कि वो सबको गले से लगाकर चलता है, वो गरीबों से मिलकर भी चलता है, लगाए भी कैसे कुछ लगाए भी कैसे उसके कद का अंदाज़ा, वो आकाश है फिर भी सर झुका के चलता है, ऐसा दोस्त कल्याण जी जाना। और ये कहना चाहूँगा कि गए साल की बात है कि आई एम स्टैंड अप कॉमेडी एक्टर डबिंग आर्टिस्ट, बट शोज़ वगैरह बहुत ठंडे चल रहे थे हमारे, शोज़ वगैरह नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब शो ठंडे चल रहे थे तो गए साल की बात है तो इनका जो अवार्ड शो था दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, उसमें मुझे भी इन्होंने इन्वाइट किया था कल्याण जी जाना जी ने, और तब से मेरे शो की लाइन बहुत अच्छी चलने लगी, फिर से कंटिन्यू शोज़ वगैरह अच्छे चलने लगे। तो मेरे दोस्त कल्याण जी जाना साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसे ही आगे बढ़ो मेरे भाई, ऑल द बेस्ट, आप हो सबसे बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।